कैसा लगा मुझसे पहली बार मिलकर? आए मजे? हैप्पी होली दोस्तों, हैप्पी होली, हैप्पी होली। हाँ तो मैं आपको भाई यार, हिंदुस्तानी काफ़ी खुशमिजाज से लोग होते हैं एकदम ना, हमें बड़े मज़े आते हैं हर चीज़ में। मतलब अभी पीछे टेरर अटैक हुए थे तो सभी लोगों ने बोला कि बदला लेंगे, बदला लेंगे। तो बदला तो लेना ही था, लेकिन साथ में लेने थे मज़े। तो उधर बहुत अफरा तफरी हो गई कि जनाब बहुत ही बुरी खबर आ रही है, क्या हमारा पीएम फिर से बदल गया? चाइना ने हमसे दोस्ती तोड़ दी। अरे सर, चाइना हमसे दोस्ती कैसे तोड़ सकता है, पागलों वाली बातें कर रहे हैं। क्या हो गया? सर वो हिंदुस्तानियों ने ना, हिंदुस्तानियों ने हमारे टमाटर बैन कर दिए सर। क्या अब समोसे सूखे खाने पड़ेंगे? कल से छुट्टी का ऐलान कर दो। बहुत ही देख खतरनाक मामला है तुम, वहाँ के लोग परेशान बड़ा रहते हैं मेरे को लगता है। एक सिंगर को देख लीजिए आप, एक आतिफ असलम करके सिंगर है, सुना आप लोगों ने? वो गाने बड़ा, जैसे हिंदुस्तान में अगर आप कहेंगे ना आप किसी से कि भाई रोमांटिक सा गाना गाना है तो बंदा आ जाएगा, आँखों से छू लूँ के बाहें तरसती हैं, सबको मजे आ जाएंगे भाई ये तो बहुत सही। फिर बोलते हैं आतिफ साहब आप गाइए, आँखों से छू लूँ। अरे ये क्या बदतमीजी कर रहे हो भाई साहब, ऐसे कोई आँखों से नहीं छुआएगा आपको। एक तो आतिफ असलम को लगता है मेरा गाना सुनते सुनते लोग सो जाएंगे, तो बीच बीच में ऐसे उठाता रहता अपनी ऑडियंस को, दिल ने पुकारा है हाँ अब तो चले आओ, वाह ओके शब। तो पागल ही लगते हैं बहुत से। मैं अपने बारे में कुछ आप लोगों को बताता हूँ। मेरा नाम अनस है, जैसा कि अभिषेक ने बताया, मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ, और मैं वो हूँ जिसकी इस सोसाइटी को अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, एक प्योर सेक्युलर प्रोडक्ट। और इसकी वजह है मेरे माँ बाप। दरअसल मेरी मॉम हिंदू हैं और मेरे पापा मुस्लिम। वो थम्स अप कर रहे हैं भैया, ये बहुत सही, मैंने कुछ नहीं किया सर इसमें, उन्होंने किया जो कि। मैं दुनिया में आया हूँ, मैंने बस ये उनके नाम पे पैसे बना रहा हूँ, देख रहे हैं। हमारे घर पे प्राइम टाइम पे सिर्फ एक मूवी चलती है, सलाम नमस्ते। मैं असल जिंदगी का बजरंगी भाईजान हूँ। मेरे कंप्यूटर में रैम और रहीम दोनों हैं। लेकिन मेरे लिए सारी चीज़ें आधी आधी हैं। मैं 30 नहीं, मैं 15 रोजे रखता हूँ। मेरे लिए नवरात्रे भी 4.5 रात्रे हैं। दो मंगलवार तौबा तौबा, दो मंगलवार चिकन, ओह। और करवा चौथ का व्रत मेरा आधा चांद देख के टूट जाता है। बाकी के आधे चांद पे 786 लिख के मैं तावीज़ बना के पहन लेता हूँ। प्रॉब्लम ही नहीं ले भाई साहब लाइफ में। मेरे घर वालों की आपस में लड़ाई होती ना, कोई ये नहीं बोलता कि घरेलू हिंसा हो रही है, दंगे हो रहे हैं। दंगे के एक हफ्ते बाद पापा घर के एक कोने में, मम्मी घर के एक कोने में घुप सन्नाटा, कर्फ्यू लग गया है। अब मैं बचपन से ननिहाल और ददिहाल जा रहा हूँ ना, तो मेरे लिए ऐसे दो अलग अलग दुनिया ऐसे मेरे सामने निकल कर आती है, और सब ठीक था, दोनों जगह प्यार वगैरह मिल रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती थी ग्रीटिंग्स में, क्योंकि वहाँ अलग सिखा रहे हैं, वहाँ अलग सिखा रहे हैं। तो नए बंदे से मिलकर मैं ये नहीं सोचता था कि यार ये इससे बात करूँ नहीं करूँ, मेरे को यार ये कौन से वाले हैं। तो अब मैंने निकाला एक तरीका। अभी मैं क्या करता हूँ, मैं एक हाथ ना ऐसे उठाना शुरू कर देता हूँ, फिर सामने वाले का रिएक्शन देखता हूँ, ये एक हाथ वाले हैं कि दो हाथ वाले। अच्छा, मेरे पापा को बड़ी कन्फ्यूजन हो गई थी। पापा को बचपन से सलाम करने की आदत है, मम्मी की फैमिली है राजस्थान से, तो वो वहाँ पे गए उनसे मिलने, फुल प्रैक्टिस करके गए, वो नमस्ते मैं नमस्ते, वो नमस्ते मैं नमस्ते। वहाँ गए, घड़ी खंबा, वालेकुम अस्सलाम, अरे आउट ऑफ सिलेबस आ गया भाई साहब। देखिए चलिए ठीक है, माना आपस में थोड़ी बहुत अनबन समझते हैं यार, कैलेंडर तो सेम बना लेते हैं। मतलब अगर सावन के महीने में बकरीद पड़ गई तो क्या ही होगा मेरा। मतलब बुरा ना मानो, होली है ठीक है, लेकिन अगर रमजान में पड़ेगी तो बुरा मानूंगा कि सुन गुजिया खाएगा, अरे नहीं वो मेरा 14वां रोजा चल रहा है। अच्छा अच्छा, अभी तो 16 और होंगे ना, नहीं नहीं कल लास्ट है, मैं 15 रखता हूँ, पिछले जोक में बताया था ना, तो अच्छा हाँ सॉरी। मतलब आलम ऐसा है, अगर नाना पाटेकर की मूवी क्रांति भी आजकल रिलीज हुई थी ना, तो वो डायलॉग है ना, हिंदू का खून मुसलमान का खून, दो लोगों की उंगली नहीं तोड़नी पड़ती। मेरे ब्लड सैंपल से काम चल रहा है।
बहुत सही यार, बहुत सही सीन. मेरे घर से निकलते ही ना एक पीपल का पेड़ है और एक बरगद का पेड़. एक के नीचे मंदिर है, एक के नीचे मजार. आधे लोग इधर 10 रुपये चढ़ाते हैं, आधे लोग इधर. मुझे 20 रुपये चढ़ाने पड़ते हैं. लेकिन मैं आपको एक काफ़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी बताता हूँ. मैं आपको बताता हूँ कि मैं मैन्युफैक्चर कैसे हुआ था. मेरे मम्मी पापा की लव स्टोरी. तो कट टू 25 साल पहले मेरी हिंदू मम्मी मेरे मुस्लिम पापा से दंगों में मिली. इससे पहले कि त्रिशूल और तलवार टकराते उनकी नज़रें टकरा गई. दोनों ने हथियार वहीं डाले और बैठ गए वहीं चाय की टपरी पर. अब देखिए मेरी मम्मी को ना मेरे पापा से उम्मीदें ही अलग थी. पापा ने कहा मम्मी ने कहा इरशाद इरशाद. पापा ने कहा नहीं नहीं नाजिम. मम्मी ने कहा यार शायरी वायरी सुनाओ, गज़लें वज़लें सुनाओ. तो पापा ने कहा यार मतलब मुसलमान है ज़रूरी भारी भरकम उर्दू वर्ड आने चाहिए. तसव्वुर तलफ्फुज़ तौ ऐसे दिन के 4 शब्द बोल दो बलगम साफ हो जाए सारा आपका. पर बेचारे पापा को ना उर्दू के नाम पर सिर्फ 2 शब्द आते थे, सलाम अलैकुम. तो मम्मी ने कहा मुझे भी 2 शब्द आते हैं, खुदा हाफिज़. अच्छा मम्मी पहली बार पापा के घर आई तो उन्होंने देखा कि यार तुम्हारा घर तो मुसलमानों के घर जैसा बिल्कुल नहीं है. तो पापा ने कहा तुम्हें क्या लगता है मुसलमानों के कैसे घर होते हैं, मुगल सल्तनत के दरबार खोल के बैठे हैं. ऊपर झूमर लटक रहा होगा, नीचे कालीन बिछी हुई होगी, मोर नाच रहे होंगे, घर वाले कव्वाली गा रहे होंगे और दीवार तोड़ेंगे तो अनारकली भी बाहर आ ही जाएगी. दीवारों में से सिर्फ पपड़ी बाहर आ रही थी भाई साहब. तो इससे पहले कि मम्मी फिर से बोलती खुदा हाफिज, पापा पहाड़ों पे ले गए उनको. अब यहाँ पे भी मोटिव था, उनका एजेंडा था. वहाँ ले गए प्रपोज करने. तो वहाँ पे एको पॉइंट पे खड़े होकर बड़ी ज़ोर से चिल्लाए आई लव यू लव यू लव यू. क्या तुम्हें ये रिश्ता कबूल है? मम्मी चौंक गई, कबूल है कबूल है कबूल है, रिश्ता पक्का. रिश्तेदार नाराज. मम्मी के घर से निकली चीख और पापा के घर से फतवा. कोई समझ नहीं पा रहा था कि ये रिश्ता क्या कहलाता है. शादी में बड़ी कन्फ्यूजन हो गई. डीजे को समझ ही नहीं आ रहा आधे टाइम क्या करूं, सुहाग के गाने बजाऊं या सूफी तराने. पीछे बुआ और खाला की लड़ाई हो गई. दुल्हन हरा शरारा पहनेगी या लाल लहंगा. मतलब समझ नहीं आ रहा था कि मेहर दें कि शगुन लें. फिर किसी ने बोला कि ऊपर वाले को याद कर लेते हैं. तो मम्मी के साइड वाले खड़े हो गए और पापा के साइड वाले बैठ गए. लेकिन फिर सारी कन्फ्यूजन खत्म हुई एक रसम पे आके, जूता चुराई. और उस दिन मुझे समझ में आया कि मुझसे भी बड़ा एक और सेकुलर प्रोडक्ट है, पैसा. शुक्रिया दोस्तों, ये दैट वाज माय टाइम.